आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल बायोलॉजिकल में। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आप किसी बायोसाइंस यानी कि बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोस्टेटिस्टिक जैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या तो आप अपना बायोसाइंस के सब्जेक्ट में स्किल डेवलप करना चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि ARS नेट, CSIR नेट, नीट जैसी बायोलॉजिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। यहाँ पर हम बायोसाइंस के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और हमारी कोशिश जारी रहेगी कि उसे एक लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में बहुत ही इजी तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, हमारी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो के बाद लाइक, डिसलाइक और कॉमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए, आज हम शुरू करते हैं एक बायोसाइंस के एक अजीबो गरीब टॉपिक से दोस्तों। वो बायोसाइंस ही क्या जिसमें डीएनए की बात ना हो? बायोसाइंस को हम डीएनए के बिना बायोसाइंस मानते ही कहाँ है। और वैसे भी हम देखने जाए दोस्तों, तो डीएनए के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए लाइफ की, किसी भी लाइफ की, तो वो न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पर आपको डीएनए की फिगर दिख रही है दोस्तों। हमें लाइफ जीने के लिए एक प्रोसेस पता है जिसको हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। ये प्रोसेस के बारे में बाद में डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, मगर अभी के लिए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ में तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, डीएनए में से आरएनए फॉर्म होता है। और आरएनए में से प्रोटीन। तो दोस्तों, हमें यह पता चला कि डीएनए के बिना प्रोटीन का कोई अस्तित्व है ही नहीं। मतलब कि प्रोटीन फॉर्म होने के लिए प्रोटीन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डीएनए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है दोस्तों? आपको पता है डीएनए सिंथेसिस होने के लिए एक सब्सटेंस की जरूरत है जिसको हम जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज के नाम से। तो डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली है क्या? एक्चुअली ये प्रोटीन है। डीएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन है दोस्तों। तो हमें यह क्या पता चलता है? हमें यह ये पता चलता है कि प्रोटीन का अस्तित्व नहीं है डीएनए के बिना। मतलब प्रोटीन डीएनए के बिना फॉर्म हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, डीएनए खुद को भी डीएनए बनना है तो उसको भी एक प्रोटीन की ज़रूरत है। मतलब कि बिना प्रोटीन डीएनए भी सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब पहली बार कोई लाइफ आई, फर्स्ट टाइम, पहली बार जो पहली लाइफ, हम सबको पता है कि हम सब किसी एक सेल से बने हैं, एक सेल से बने हैं। आज से लाखों मिलियन बिलियन साल के पहले की बात है कि कोई लाइफ ही नहीं थी। सबसे पहले कोई एक सेल बना, उसमें से सारी लाइफ जनरेट हुई। मगर वो पहली जो लाइफ हुई होगी उसमें पहले क्या आया होगा, डीएनए या प्रोटीन दोस्तों? है ना, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो उसी तरह एक कन्फ्यूज़न करने वाली एक सबसे बेसिक जो थियोरी माना जाता है, जिसको समझने के लिए बहुत सारे इकोलॉजिस्ट, फिर जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जैसे साइंटिस्टों ने बहुत सारी कोशिशें की ये ऐसी थियोरीज को समझने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम इसी तरह एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दोस्तों यहाँ पर दो टर्म है जो मैंने कलर फॉर्म में दिखाया है, एक ओरिजिन और दूसरा है इवोल्यूशन। दोस्तों ओरिजिन मतलब जहाँ से शुरुआत हुई, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इवोल्यूशन मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है
ये दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ दो कलर्स अलग अलग लिखे हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ओरिजिन ऑफ लाइफ ये बताता है कि लाइफ एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई है। मतलब जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक सेल में से सब लाइफ आई है, तो वो सेल बना कब, पर बना तो कैसे बना, कहाँ से आया ये सेल। तो ये जो थियोरीज है उसके रिलेटेड जो रिसर्च और हाइपोथेसिस दी गई है, उस थियोरी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब तक फर्स्ट सेल नहीं आया तब तक की बात करता हूँ मैं। और जब फर्स्ट सेल आ गया मतलब कि पहला सजीव आया, उसके बाद एक में से बहुत सारे सजीव बने, प्लांट्स, एनिमल, फिर बैक्टीरिया, वायरस। और बैक्टीरिया में भी आप देखते हो बहुत सारे बैक्टीरिया है, एनिमल में भी कितने सारे टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स में बहुत सारे टाइप्स के अनकाउंटेबल प्लांट्स। तो ये एक सजीव में से इतने सारे अलग अलग सजीव क्यों आए और कैसे आए, ये जो सेकंड थियरी है ये है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जब तक हम बात करेंगे फर्स्ट सजीव की, मतलब पहला जीव जब तक आया उस तक की, तो वो आएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ में। और पहला जीव के बाद जो इतने सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं उस थियरी को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो आज हम इसी तरह बात करने वाले हैं पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने अलग अलग अनुमान लगाए और उसके अनुमान और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उसने हाइपोथेसिस दी। तो एक हाइपोथेसिस ऐसी मिली जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थी। उससे भी पहले बहुत सारे लोगों ने उसकी हाइपोथेसिस दी। एक हाइपोथेसिस किसी ने ऐसी दी कि ओरिजिन जो हुआ लाइफ का वो सब किसी सुपर पावर ने किया है, कोई ईश्वर भगवान ने एक साथ सारे ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सन, अर्थ, सजीव को एक साथ उतारे, एक साथ एट अ टाइम किसी सुपर पावर ने सब बना दिया। मगर सवाल फिर भी खड़ा रहता है कि उस सुपर पावर को किसने बनाया, और इस थियरी का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए उसको इतना एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल और प्रेडिक्टेबल है। मगर एक थियरी ऐसी आई जिसके रिलेटेड साइंटिस्टों को और अभी कुछ फिलहाल में एविडेंस मिल रहे हैं। तो उस थियरी को थोड़ा बाकी और थियरों के कंपेयर में ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है, और उस थियरी का नाम है बिग बैंग। तो दोस्तों एक्चुअली बिग बैंग है क्या? तो बिग बैंग इज द सिंगल टिटेनिक एक्सप्लोजन दैट हैपन अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड बिग बैंग। दोस्तों तो बिग बैंग कुछ नहीं है, आज से 15 बिलियन साल पहले एक बिंदु में से पूरा यूनिवर्स जनरेट हुआ, पूरा यूनिवर्स। तो उसको बिग बैंग कहते हैं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होने को। तो जो 15 बिलियन साल पहले का जो सिचुएशन था, ये जो यूनिवर्स था वो एक मिलीमीटर्स के जैसा दिखता था, एक बिंदु टाइप, और इस बिंदु में बहुत सारी एनर्जी थी, इतना गर्म, इतना एनर्जेटिक था। फिर उसका एक्सप्लोजन हुआ और उसके साथ साथ बहुत सारी बॉडीज रिलीज हुई, और उसके कूल होने से प्लेनेट, सन, अर्थ और बहुत सारी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और जैसी हमारी एक गैलेक्सी है ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है, मगर हम अभी हमारी गैलेक्सी पे ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिग बैंग ब्रॉडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, एंड बिफोर 15 बिलियन ईयर्स अगो द विजिबल यूनिवर्स वॉज ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स अक्रॉस। दोस्तों थोड़ा और जानते हैं बिग बैंग के बारे में। विद द बिग बैंग ऑल द मैटर एंड ट्रीमेंडियस एनर्जी कैम इन टू एग्जिस्टेंस,
दोस्तों जैसे हमने बताया कि जब एक बिंदु में से पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ मैटर्स भी फॉर्म हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे बहुत सारे मैटर्स। द फ्रेगमेंटेस ऑफ फायर बॉल एक्सपेंडेड एंड कॉल्ड टू गिव राइज टू मेनी मोर कैलेस्टियल बॉडीज। जैसे मैंने बताया प्लैनेट फॉर्मेशन, सन फॉर्मेशन वगैरह, ये ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम द रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द सन एंड प्लैनेट्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिग बैंग एक्चुअली है क्या। बिग बैंग इतना ज़्यादा फिजिकल कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट्स है, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम देखने जाएंगे तो इतना ज़्यादा हमें इसको समझने की ज़रूरत नहीं रहती, मगर ये एक प्रीमेटिव पार्ट था, ये इंटरेस्टिंग पार्ट था कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था कि यूनिवर्स कैसे आया, और यूनिवर्स आने के बाद अब लाइफ कैसे आई वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे, अगले एपिसोड में हम जानते जाएंगे। अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, सो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और वंस अगेन प्लीज़ आपका रिव्यू देना मत भूलिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिए, ये हमारी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।